हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपके साथ लोकसभा एमपी के द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को लिखा गया एक लेटर शेयर करने जा रहे हैं, जो कि 31 जनवरी 2020 को लिखा गया है। इस लेटर में आईबीए के द्वारा दी गई डेरोगेटरी एडवर्टाइजमेंट की बात की गई है। उन्होंने कहा कि मुझे मीडिया के थ्रू पता चला है कि 13 लाख बैंक एम्प्लॉयज 31 जनवरी व 1 फरवरी को स्ट्राइक पर रहेंगे, जिसका कारण उनकी सैलरी, जिसमें कि नवंबर 2017 से होने वाली बढ़ोतरी पेंडिंग है, और जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश कर रहे होंगे उस टाइम देश की बैंकिंग इंडस्ट्री क्लोज रहेगी, जिसे कि इकोनॉमी की बैकबोन माना जाता है। यह भी सामने आया कि आईबीए जो पिछले 10 सेटलमेंट कर चुकी है यूनियन के साथ, उसी आईबीए का कहना है कि वो कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, वह तो सिर्फ फैसिलिटेटर का काम कर रही है, जिसके अनुसार आईबीए को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो सेटलमेंट के लिए नेगोशिएट करे। आईबीए ने एक एडवर्टाइजमेंट भी दी है 30 जनवरी को, जिसमें उन्होंने कहा कि स्ट्राइक के दिन बैंक के अल्टरनेटिव चैनल लाइक एटीएम काम कर रहे होंगे। इसी एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने बैंक यूनियंस जो स्ट्राइक पर जा रही है उन्हें इरिस्पॉन्सिबल बताया है। इस तरह की एरोगेंट सेटलमेंट पब्लिक मीडिया में देना ठीक नहीं है, इससे हमारा रोबस्ट बैंकिंग सेक्टर डिमीन होता है, इससे बैंकिंग सेक्टर की इमेज को लॉस होगा। और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा भी कंसेंट दिया जा चुका है कि वेज एक्ट 2019 के लिए, और वेज बिल पास भी हो चुका है, जिसके अनुसार किसी ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को हम मिनिमम वेजेस से लिंक नहीं कर सकते। तो फिर किन बेसिस पर आईबीए वेज रिवीजन को डिनाई कर सकती है? और कंट्री के इंटायर वर्कफोर्स को भी इस एक्ट के अंडर बेनिफिट मिल रहा है, और वहाँ भी मिनिमम वेजेस पॉलिसी को लागू किया जा चुका है। इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो कि ट्रेड यूनियन के साथ पिछले 10 सेटलमेंट कर चुकी है पिछले 50 साल में, जो कि स्वयं एक लीगल एंटिटी नहीं है, इसलिए उसे कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो नेगोशिएट करे। इससे पहले 10 सेटलमेंट जो हो चुके हैं उनकी वैलिडिटी पर भी सवाल उठता है। उन्होंने कहा कि आईबीए में ऐसा कौन पर्सन है जो ऐसे डिसीजन लेता है जिससे गवर्नमेंट और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़े। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि सभी बैंकर्स के लिए उनका वेज रिवीजन मिनिमम वेजेस पॉलिसी के अनुसार किया जाए। फ्रेंड्स, वहीं दूसरी तरफ वी बैंकर के द्वारा पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं कि आईबीए को बैंकर्स के वेज रिवीजन से हटाया जाए और डायरेक्ट गवर्नमेंट से बात की जाए।